नमस्कार, हिमाचल अभी भी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, और गणतंत्र दिवस की तैयारियां काफी दिनों से चल रही हैं। और 26 जनवरी की परेड में एक बार फिर भारतीय सेना अपना दमखम दिखाने को तैयार है। बताया जा रहा है कि इस साल होने वाले फ्लाई पास्ट पिछले सालों से ज्यादा भव्य होने वाला है। इसके साथ ही इस साल परेड में काफी बदलाव हुए हैं जो इस परेड को खास बनाने वाले हैं। अगर आप भी हर साल 26 जनवरी की परेड देखने के लिए उत्साहित रहते हैं तो आप पहले ही जान लीजिए कि इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस बार परेड में क्या कुछ खास होने वाला है। 26 जनवरी का कार्यक्रम 4 दिन तक चलता है और इसमें सबसे आखिरी कार्यक्रम बीटिंग द रिट्रीट का होता है। अब जानते हैं कि इस बार की परेड में क्या खास होगा और कार्यक्रम में कितना बदलाव किया हुआ है। तो सबसे पहले इस बार साल का सबसे बड़ा फ्लाई पास्ट होगा। भारतीय वायुसेना और नौसेना के विमानों सहित 75 लड़ाकू विमानों के साथ गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राजपथ पर होने वाला फ्लाई पास्ट अब तक का सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होगा। ये सब आजादी का अमृत महोत्सव के अनुरूप है। 5 राफेल विनाश की आकृति में राजपथ के ऊपर से उड़ान भरेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 17 जैगुआर लड़ाकू विमान 75 के आकार में उड़ान भरेंगे। इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में एक खास गैलरी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। दरअसल राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर और चंडीगढ़ में कला कुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न कलाकारों ने हिस्सा लिया था। देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले गुमनाम नायकों के चित्र तैयार किए हैं, जिनमें उनकी वीरता और संघर्ष की कहानियों को पारदर्शित किया गया है। इन चित्रों को गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर प्रदर्शित किया जाएगा। भुवनेश्वर और चंडीगढ़ में 75 मीटर के कुल 10 स्क्रॉल कैनवस पर चित्र बनाए, जिनकी कुल लंबाई 750 मीटर से भी अधिक है। इन स्क्रॉल को गणतंत्र दिवस 2022 के मौके पर राजपथ पर कलात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इस साल की गणतंत्र दिवस की सबसे खास बात जो है वो ये है कि इस बार कोई भी विदेशी मेहमान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल नहीं होंगे। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मध्य एशियाई देशों से कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं होगा। सरकार ने 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण भेजा था, लेकिन अब योजनाओं को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि पिछले साल भी कोरोना की वजह से कोई विदेशी मेहमान शरीक नहीं हुआ था। इस साल एक और खास पहल की गई है कि गणतंत्र दिवस के आमंत्रितों की सूची में निर्माण श्रमिक, सफाई कर्मचारी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और ऑटो रिक्शा चालक शामिल हैं। इसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर देना है। वहीं कोविड महामारी का साया गणतंत्र दिवस समारोह पर भी इस बार मंडरा रहा है। इसके चलते पहले परेड रूट 8.3 किलोमीटर होता था, जो कि अब घटकर 3.3 किलोमीटर ही रह गया है। मतलब परेड रूट 5 किलोमीटर कम कर दिया गया है। हालांकि परेड के बाद निकलने वाली झांकियां लाल किले पर जाकर ही खत्म होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते इस बार दर्शकों की संख्या काफी कम कर दी गई है। पिछली बार ही सरकार ने दर्शकों की संख्या को कम करते हुए सिर्फ 25,000 लोगों को परेड में शामिल होने की इजाजत दी थी। अब इस संख्या को और भी कम कर दिया गया है और सिर्फ 5,000 से 8,000 लोगों को ही इस परेड में शामिल होने की इजाजत दी गई है। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत के समय में बदलाव किया गया है। इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह आधे घंटे देर से शुरू होगा। गणतंत्र दिवस की परेड जो कि हर साल 10 बजे शुरू हो जाती है, इस साल वो सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। बता दें कि कम विजिबिलिटी के चलते फ्लाई पास्ट नहीं दिख पाता था, इसके चलते ये बदलाव किया गया है। इस बार खास तरह का इन्विटेशन भी दिया जा रहा है। इन्विटेशन के साथ औषधीय पौधे जैसे अश्वगंधा, एलोवेरा के बीज दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप अपने घर पर लगा सकते हैं। तो ये सभी बातें जो है वो खास रहेंगी इस साल के गणतंत्र दिवस पर। तो आप भी इस परेड को पूरी उत्सुकता के साथ देखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।